कि आज हम लोग सीखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। ओके, तो डेरिवेशन जो है हम लोग इसमें मिरर फॉर्मूला देख चुके हैं, है ना, इसे पिछले वीडियोस में, है ना। आपको देखना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला एंड सीरो पॉइंट, उसके नाम से आपको मिल जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला। पहले हम कन्वेक्स लेंस को देख लेते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस पढ़ चुके हैं तो इसमें इसका डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक ये लेंस है, ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये 2f है और ये f है, ये भी 2f है और ये f है और ये 2f हो गया, ठीक है। यहाँ कहीं पे हम ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये जो रे है ना, ये रे जाएगी फोकस से, अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से पास आउट हो जाएगी, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं डायग्राम में, ठीक है। उसके बाद दूसरा रे जो है यहां से पास होगी ऐसे, तो मतलब F और 2F के बीच में कहीं ना कहीं मिलेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया आपको AB और ये हो गया आपको BA डैश, ठीक है, और यहाँ कैप बनाना मत भूलिएगा, यहाँ पे कैप बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये 90 होता है यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इमेज की बात करें तो। अब देखिए यहाँ पे इसको एक बार मिला लीजिए यहाँ से, ठीक है, तो ताकि ट्रायंगल को बनने में इजी होगा मेरे पास। अब हम देखेंगे मेरे पास कुछ ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इन ट्रायंगल में क्या क्या चीज है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होगा O, ठीक है, और यहाँ पे कुछ दे दीजिए नाम इसका, मे बी सी, ठीक है, ये भी हो चुका, सी दे यहाँ पे। अब हम इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल को देखते, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होगा यू, और यू का साइन निगेटिव होगा, आपको पता है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड है। और उसके बाद यहाँ से, ठीक है, ये क्योंकि हमको पता है कि सारे डिस्टेंस जो मेजर करेंगे ना, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, ठीक है, ये होगा वी, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद ये फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक फोकस है, तो ये फोकल लेंथ, ठीक है, क्योंकि सारे का वॉल्यूम को पुट करना है, अभी जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो सारे के वॉल्यूम को पुट करना है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ देखिए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ठीक है, ए बी ओ एंड ए डस बी डस ओ में, ठीक है, एंड ट्रायंगल ए डस बी डस ओ में, ठीक है, ए डस बी डस ओ कौन है, यहाँ पे ए डस बी डस ओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे बताइए, अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, तो इसका साइड सिमिलर कैसे होता है, ये 90, ये भी 90, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, तो एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो जाता है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन दीज आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ए बी यहाँ पे ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू, आगे हम लिख सकते हैं ओ बी अपन ओ डस बी डस ओ बी डस, ठीक है। ऐसा क्यों कर, देखिए ए बी अपन ए डस बी डस, फिर यहाँ पे ओ बी अपन ओ बी डस, चूंकि इसका कोई काम नहीं है ना, इस साइड का कोई काम नहीं है मेरे पास, इसलिए हम इसका यूज ही नहीं करते हैं। तो ये हो गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, ठीक है, एक दूसरा ट्रायंगल बनना है मेरे पास, ठीक है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल, देख लीजिए इसमें। नाउ इन ट्रायंगल इसका नाम देते हैं ए डस बी डस एफ एंड ओ सी एफ, ठीक है, ये ओ सी एफ है, ओ सी एफ एंड ए डस बी डस एफ इसमें, ठीक है। इसमें क्या होगा, साइड प्रोपोर्शनल होगा, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम लिख सकते हैं ओ सी अपन ए डस बी डस, ठीक है, तो इसका पहले ले लेते हैं साइड, कोई दिक्कत नहीं, ओ सी अपन इसका, ये भी सिमिलर है, आर सिमिलर ट्रायंगल, तो ओ सी आ गया यहाँ पे ओ सी अपन, और ये आ गया ए डस बी डस इक्वल टू, फिर साइड ले लेते हैं यहाँ पे ओ एफ अपन, यहाँ से ये बी डस है, ठीक है, और बी डस एफ,
ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब एक चीज आप देखेंगे कि ये लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये लाइन अगर पैरेलल है और ये भी पैरेलल है तो पैरेलोग्राम बन गया। तो पैरेलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ए बी जो है ओसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू ओसी, ए बी हो जाएगा ओसी के बराबर, ठीक है। तो ए बी अगर ओसी के बराबर हो गया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे नॉट कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं और ए बी अपन ए डस बी डस, तो यहाँ पे आगे मेरे पास ओसी हम यूज कर रहे हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी अपन ए डस बी डस इक्वल टू एफ अपन बी डस एफ, सेकेंड इक्वेशन ही है। आप देखिए इनको देखिए, आप इनको देखिए, ठीक है, इसको थर्ड बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड को देखिए और फर्स्ट को देखिए, ये दोनों का इक्वल है ना यहाँ से, तो ये भी इक्वल होना चाहिए, है ना। तो सेकेंड पार्ट को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे हम फ्रॉम वन एंड थ्री, वन एंड थ्री, वन और थ्री क्या करेंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो एल एच एस इक्वल है, आर एच एस इक्वल कर लेंगे। ओ बी अपन लिख देंगे यहाँ पे ओ बी अपन ओ बी डैस इक्वल टू ओ एफ अपन पी डैस एफ, ठीक है। तो या फिर ओ बी का हम वैल्यू पुट करेंगे, ओ बी क्या है मेरे पास, ठीक है, माइनस यू है ओ बी, ओ बी क्या यहाँ पे देखिए ऊपर में ओ बी माइनस का यू, तो ओ बी माइनस यू पुट करेंगे हम साइन के साथ। ओ बी डैस, ओ बी डैस क्या है, वी है ना ओ बी डैस, तो यहाँ पे हम वी पुट कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू ओ एफ क्या है मेरे पास, ओ एफ देखिए ओ एफ ओ एफ, यहां से ये एफ हो गया पॉजिटिव में होगा, और उसके बाद बी डैस एफ, बी डैस एफ जो है यहाँ पे बी डैस एफ, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको चाहिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे, ये पूरा डिस्टेंस बी में से एफ को माइनस कर देंगे ना, तो बी माइनस एफ हो जाएगा ये, तो बी माइनस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये निकाल सकते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है, और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस यू बी, इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्लस यू एफ इक्वल टू होगा आपको यू एफ, ये वी एफ, सॉरी वी एफ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, यू वी एफ से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, बाय यू वी एफ, तो यू बी एफ से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो क्या होगा, यू बी एफ एंड यू बी एफ, तो देखिए यू बी एफ से डिवाइड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे यू बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद एफ यू कैंसिल होगा और यहाँ पे एफ एफ और वी वी कैंसिल होगा, तो बचा क्या आपको, यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे जो बच रहा है उसको हम नॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखिए माइनस का यू अपन ये ऊपर तो कट गया सारे, माइनस वन अपन एफ, और ये बचा यहाँ पे वन अपन प्लस का वन अपन यू, ये सॉरी वी इक्वल टू ये वन अपन यू, इसको अरेंज करने से हमको मिलेगा वन अपन एफ, ठीक है, यहाँ है इसको इधर लीजिए, वन अपन एफ को इधर लाइए, वन अपन यू को इधर ले आइए, तो ये आपको मिलेगा वन अपन एफ इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, ठीक है। तो ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, दैट इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो हम इसके लिए कनकेव के लिए भी प्रूव करेंगे, अभी कन्वेक्स के लिए किए जैसे, उस टाइप से हम कनकेव के लिए प्रूव करेंगे, ठीक है, लेकिन हम पहले कनकेव का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बारे में हम उसको प्रूव करेंगे, ठीक है। आगे हम तो कनकेव लेंस को देखते हैं, देखिए कनकेव लेंस क्या होता है, ठीक है, कनकेव लेंस को हम थोड़ा जाने हैं, लेकिन इसमें हम रे डायग्राम नहीं जानते हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं रे डायग्राम, ठीक है। तो कनकेव लेंस का रे डायग्राम कैसे बनता है वो हम देखते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास, ठीक है, ये कनकेव लेंस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, ठीक है, ओ, तो एक अगर रे, ठीक है, जाएगी
यहां से इसके पैरेलल, तो ये यहाँ फोकस होगा और यहाँ पे 2F होगा और यहाँ भी फोकस, यहाँ भी 2F। तो इसका रीजन क्या है कि ऐसे अगर जाएगी तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे डाइवर्ज हो जाएगा, ऐसे ऐसे। हमको लगेगा क्या, ये एक्चुअली फोकस से आ रही है लेकिन आती नहीं है, फिर डाइवर्ज हो जाती है। इस स्टेप से अगर ऐसे भी जाएगी, ये ऐसे भी रह जाएगी, तो ये भी वही करेगा काम, है ना, डाइवर्ज हो जाएगी। आपको बनाना है इसे फोकस से बनाना, ठीक है, ये डाइवर्ज हो जाती है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि इफ अरे पासिंग थ्रू फोकस, इफ अरे अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट बिकम डाइवर्जेस एंड अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो हमको इसके बारे में लिख लेना है क्या होता है, ठीक है। पहला में इफ अरे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस ठीक है। तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कनकेव मतलब कह सकते हैं कि किसी कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो क्या होगा कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस। तो ये फोकस से आते दिखेगा, ठीक है, आफ्टर द रिफ्रैक्शन हो तो लेंसेज, ठीक है, तो लेंसेज पास होने के बाद तो लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ये हमको ऐसा दिखता है, ठीक है। सेकेंड में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, कि अगर कोई भी रे हो, ये आपको ऐसे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी बिना डेविएटेड, ठीक है, ठीक है। अगर ये रे ऐसे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऐसे ही पास हो जाएगी इसमें बिना डेविएशन के, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में, ठीक है, क्या इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर of a concave lens goes straight after passing through the lens, तो लेंस से पास होने के बाद जो है वो स्ट्रेट चला जाता है, इसका सीधा चला जाता है, दैट इज नोन एज सेकेंड एरर, ठीक है, इसको हम जानते हैं। उसके बाद थर्ड में एक और देख लीजिए, ठीक है, कोई खास नहीं है फिर भी जानना है हमें, ठीक है, तो थर्ड में देख लीजिए क्या है। अगर एक रे, ठीक है, फोकस के सामने आए, है ना, तो वो क्या होगा, ठीक है, आपको लगेगा कि पैरेलल हो जाता है, ठीक है, अगर वो फोकस पे आवे, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाता है। इट मीन्स व्हाट, मान लीजिए कनकेव लेंस है, ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए फोकस है, ठीक है, ऐसे अगर ये आएगी फोकस पे डायरेक्ट, मतलब इसका निशाना लगने वाला फोकस पे है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद ये ऐसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा हम नोट कर लेते हैं, ठीक है,
इफ आर रे अप्लाइड गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस ठीक है इट बिकम्स पैरेलल टू becomes to principal axis after the diffraction through the lens ठीक है तो लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होता है इसके पैरेलल हो जाता है ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हम इसमें देख लेते हैं इसका इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है ठीक है कनकेव लेंस में ठीक है ओके तो फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कनकेव लेंस तो कनकेव लेंस के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देख लेते हैं ठीक है देखिए पहले एक केस में हम रखते हैं जब वो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना तो इमेज क्या बनेगा ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा वो देखिए ये है मेरे पास कनकेव लेंस ठीक है थोड़ा सा बड़ा कर लेते लेंस को ओके और ये क्या मान लीजिए फोकस ये इधर कहीं 2f होगा ये भी f और ये कहीं 2f होगा ठीक है मान लीजिए इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो सिर्फ क्या रह जाएगा उसका ठीक है ऐसे पैरेलल रह जाएगा तो ये रे कहाँ जाना जाएगा फोकस जाना जाएगा ठीक है ऐसे जाएगा तो हमको जो है पॉइंट साइड का पॉइंट साइज का इमेजेस जो है वो पता चलेगा ये बन रहा है कहाँ पे फोकस पे ठीक है तो कहाँ बनेगा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये बनता कहाँ पे फोकस पे बनता है ठीक है एट फोकस ठीक है दूसरी बात हम बात करेंगे इसमें तो क्या होगा वर्चुअल इंटरैक्ट होता है ठीक है और तीसरा बात करेंगे इसमें तो ये हमेशा हाईली डैमेज होता है बहुत छोटा होगा ठीक है इसको बोलेंगे हाईली डैमेज ठीक है तो बहुत ही छोटा बनेगा ठीक है ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होगा दूसरा केस में इसमें इमेज कहाँ बनता है ठीक है जब ऑब्जेक्ट को रखते हम बिहाइंड द लेंस मतलब लेंस के कहीं भी रख दीजिए ठीक है ठीक है मतलब ये कह सकते हैं ठीक है ऑप्टिकल सेंटर और सी के पास ठीक है नहीं ऑप्टिकल सेंटर सी या फिर इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के कहीं बीच पर रख दीजिए ठीक है तो इमेज का बनता है ठीक है तो कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट बिटवीन ओ एंड ओ मीन्स ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी ठीक है तो ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी है ना इनके बीच कहीं भी रखते हैं तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा ठीक है तो देखिए इसको क्योंकि मेरे पास
कनकेव लेंस, ठीक है, ये होगा कहीं फोकस, ये होगा कहीं 2F, ये भी फोकस और ये होगा 2F। तो कहीं भी रख दीजिए, मान लीजिए यहीं रख दिया, ठीक है। तो छोटा ही में से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जाएगी रही है और हमको कहाँ लेके जा रही है, दिस विल बी अपीयर्स टू बी डाइवर्जिंग, ओके ऐसे जाएगी रही है। और दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, ऐसे पास हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्किल से कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा बेटर इमेज का ये मिलेगा, ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा रे। तो देखिए कहाँ मिला, यहाँ पे। तो कहीं भी रहेगा तो आपको ओ एंड, ठीक है, ऐप के बीच में मिलने वाला, ठीक है। तो हम इमेज का प्रॉपर्टी तो पढ़ लेते हैं, तो ठीक है, हम देख लेते कहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे पहला में बनने वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा बिटवीन ओ एंड 2F, ठीक है। तो ये सॉरी ओ एंड एफ है, यहाँ बनेगा ओ एंड एफ के बीच बनेगा, ओ एंड एफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। दूसरी बात क्या होगा, यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा। और तीसरा बात क्या होगा इसमें, ठीक है, ये पता है आपको क्या होगा, डायमिनिश्ड मतलब छोटा होगा, स्मॉलर, मतलब छोटा बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होगा इमेज से हमेशा छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज का होगा, इन टाइप से आप ये दो ही केसेस में इमेज बनता है, ठीक है। तो इनमें आप ये दोनों आप आसानी से याद रख सकते हैं, ओके। तो यूज देख लेते हैं कनकेव लेंस का क्या क्या है, ठीक है, और यूज ऑफ कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव लेंस का क्या यूज है। तो देखिए कनकेव लेंस का यूज जो है हम भी बहुत सारे काम में करते हैं, ठीक है, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, डिफेक्ट जो विजन होता है माओपिया उसमें काम आता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू डिफेक्ट द विजन, ठीक है, कॉल्ड माओपिया, ठीक है। सेकेंड में हम यूज करेंगे कनकेव लेंस जो होता है, ठीक है, आई लेंस इन ये कनकेव लेंस जो है ये आई लेंस के रूप में यूज होता है गैलीलियन टेलीस्कोप में, ठीक है। अभी आप आई लेंस क्या होता है, आईपीस लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है, वो आप 11th में पढ़ेंगे और ये 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए बस इतना समझ लीजिए, ठीक है, कनकेव लेंस लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में, ठीक है, यूज किया जाता है इसका आई लेंस के रूप में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें थर्ड है वो देख लेते हैं, कनकेव लेंस जो है यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन विद कन्वेक्स लेंस टू मेकिंग हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कनकेव एंड कनकेव कन्वेक्स लेंस यूज्ड फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम, ठीक है। तो इनका यूज किया जाता है हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम के लिए, ठीक है। ये जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, ये टॉपिक आप लोग को एस चंद्र की बुक से लक्ष्मी सिंह मंजीतोर का सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो। तो ये फायदा इससे ये होगा कि आपको एक एक करके अगर आपके पास बुक है तो आप उसका सोल्यूशन लगा सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट है आपके पास, इसके बाद जो हम लास्ट में जो टॉपिक ये सब कवर हो जाएगा। तो एस चंद में कुछ टॉपिक नहीं दिया हुआ,
टेंथ के एक्स्ट्रा एडवांस लेवल के लिए, तो वो हम एक्स्ट्रा में सारे वीडियोज में लास्ट में ऐड कर देंगे एडवांस लेवल करके, उनमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं इसमें कि कॉनकेव लेंस इज यूज इन वाइड एंगल स्नैपफॉल इनडोर्स, ठीक है। यूज्ड इन वाइड एंगल स्नैपफॉल इनडोर्स, ठीक है। तो ये जो लेंस होता है, ठीक, इसमें स्पाई डोर्स में यूज किया जाता है, मतलब डोर्स में लगा के स्पाई के लिए यूज किया जाता है। एक डोर होता है, ठीक है, डोर में मान लीजिए अंदर में ये लेंस लगा होता है, तो अंदर में या बाहर में, इसमें एक टाइप से ऐसा क्या होता है, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, आदमी जो है इसमें अंदर से बाहर देख सकता है, रूम के अंदर से बाहर। तो अगर आप देखना चाहें तो बाहर में मान लीजिए कोई आदमी आया, बैल बजा रहा है, तो पहले आप देख सकते हैं उसको कौन है, नहीं है, दरवाजा खोलने से पहले आप उसको चेक कर सकते हैं आदमी कौन है। तो उसके लिए स्पाई होल्स का यूज किए, इस टाइप से लेंस लगा रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये इसका काम होता है।